हेलो फ्रेंड्स, जीएस फॉर कंपटीशन में आप सभी का स्वागत है। फिर से आज हम फिर से करंट अफेयर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत किस राष्ट्र में एफडीआई का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बन गया है? ए अमेरिका, बी जापान, सी कनाडा, डी ब्रिटेन। बताइए फ्रेंड्स, कौन सा आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा डी ब्रिटेन। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, वह देश जो वर्ष 2021 में एशिया कप 2020 टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा? ए भारत, बी श्रीलंका, सी पाकिस्तान, डी दक्षिण अफ्रीका। बताइए फ्रेंड्स, कौन सा आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा बी श्रीलंका। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, किस व्यक्ति का नाम इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स द्वारा वर्ल्ड कॉमन अवार्ड 2020 के लिए रखा गया है? ए अनुराधा टीके, बी तपन मिश्रा, सी जी माधवन नायर, डी कैलाश वादिव सिवन। बताइए फ्रेंड्स, कौन सा आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा डी कैलाश वादिव सिवन। चौथा क्वेश्चन है, किस राज्य को डिजिटल इंडिया पहल के तहत आईटी संस्था एलाइटस टेक्नोमीडिया द्वारा एलीट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? ए छत्तीसगढ़, बी तमिलनाडु, सी केरल, डी ओडिशा। बताइए फ्रेंड्स, कौन सा आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा ए छत्तीसगढ़। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 11 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? ए छत्तीसगढ़, बी मध्य प्रदेश, सी असम, डी हरियाणा। बताइए फ्रेंड्स, कौन सा आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा डी हरियाणा। हमारा छठा क्वेश्चन है, राबड़ी, भारवत और चरण समुदायों की आदिवासी स्थिति पर निर्णय करने के लिए किस राज्य ने पैनल आयोग का गठन किया है? ए गुजरात, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी सिक्किम। बताइए फ्रेंड्स, कौन सा आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा ए गुजरात। हमारा सातवां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की वार्षिक रिपोर्ट विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति 2020 के अनुसार 2019 में विश्व जनसंख्या का कितना प्रतिशत भूखा रह गया? ए 7.9%, बी 8.9%, सी 8.2%, डी 6.7%। बताइए फ्रेंड्स, कौन सा आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा बी 8.9%। हमारा आठवां क्वेश्चन है, केंद्र सरकार किस राज्य को फसल विविधीकरण और तालाबों के कायाकल्प के लिए 1500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान किया है? ए पंजाब, बी हरियाणा, सी राजस्थान, डी गुजरात। बताइए फ्रेंड्स, कौन सा आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा बी हरियाणा। हमारा नौवां क्वेश्चन है, बीसीसीआई के अंतरिम सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ए कॉन
फेरी, बी जय शाह, सी राहुल जौहरी, डी हेमांग अमीन। तो फ्रेंड्स कौन सा आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा डी, हेमांग अमीन। हमारा 10वां क्वेश्चन है, मोहन बगान एथलेटिक क्लब के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ए जोस बैबिटिया, बी अशोक कुमार, सी ध्यानचंद, डी पलाश नंदी। बताइए फ्रेंड्स कौन सा आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा बी अशोक कुमार। हमारा 11वां क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग बिलेनियर्स इंडेक्स के अनुसार विश्व के सबसे धनी व्यक्ति की सूची में मुकेश अंबानी का स्थान 14 जुलाई 2020 पर जारी किया गया है। ए छठवां, बी पांचवां, सी तीसरा, डी चौथा। तो ये फ्रेंड्स कौन सा आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा ए छठा, छठवां। हमारा 12वां क्वेश्चन है, इफ इट ब्लीड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए जेन योल, बी स्टीफन किंग, सी केविन हेनक्स, डी जेके राउलिंग। बताइए फ्रेंड्स कौन सा आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा बी स्टीफन किंग। हमारा 13वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने बहुआयामी गरीबी में सबसे बड़ी कमी दर्ज की है? ए म्यांमार, बी श्रीलंका, सी बांग्लादेश, डी भारत। बताइए फ्रेंड्स कौन सा आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा डी भारत। हमारा 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोविड वैक्सीन सफल होने पर वायरस से दोहरी सुरक्षा प्रदान कर सकता है? ए यूनाइटेड किंगडम, बी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, सी इटली, डी जर्मनी। बताइए फ्रेंड्स कौन सा आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा ए यूनाइटेड किंगडम। हमारा 15वां क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ए जुलाई 20, बी जुलाई 18, सी 22 जुलाई, डी 31 जुलाई। बताइए फ्रेंड्स कौन सा आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा बी 18 जुलाई को। हमारा 16वां क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के 10% तक बढ़ाने की योजना बनाई है। ए 2.5, बी 1.25, सी 3, डी 5। बताइए फ्रेंड्स कौन सा आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा ए 2.5। हमारा 17वां क्वेश्चन है, उस देश का नाम बताएं जो व्यापार और कनेक्टिविटी में सुधार के लिए भारत के साथ नया व्यापार मार्ग खोल रहा है। ए पाकिस्तान, बी भूटान, सी श्रीलंका, डी नेपाल। बताइए फ्रेंड्स कौन सा आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा बी भूटान। हमारा 18वां क्वेश्चन है, कौन से विश्व संगठन के भारतीय कार्यालय और सैप इंडिया ने युवाओं को कैरियर परामर्श प्रदान करने के लिए भागीदारी की है? ए यूनेस्को, बी यूनिसेफ, सी
WHO TIAMF। तो ये फ्रेंड्स कौन सा आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा बी, यूनिसेफ। फ्रेंड्स अगर आप सभी को ये क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड टेक।